शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपने रुपेश भैया के फोन पे जो बात कर रहे थे वो सुन लिया था ना, इसलिए आप उन्हें डरा रही थी। आपने उनसे यही कहा ना, आपके सिवा इस घर में उनका प्यार समझने वाला और कोई नहीं है, उनको भागकर शादी कर लेनी चाहिए, यही कहा ना आपने? लेकिन पापा, ताऊजी तो आपसे गुस्सा है ना। मानो भैया हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये उन्हें कहने की जरूरत नहीं। इस बात को हम महसूस करते हैं। अब हम दुनिया में चाहे कहीं पे भी रह सकते हैं, उनके दिए हुए प्यार के सहारे। ये बंटी भी ना अपने कमरे को ऐसे रखता है जैसे अभी अभी 4-5 बंदर नाच कर गए। हमें साफ करना पड़ेगा ये सब। जब हम चले जाएंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। हमसे बात नहीं करोगे? ठीक है, फिर हम भी तुमसे बिना बात किए चले जाएंगे। बंटी, अब तुम मुझे कब मिलोगी? पता नहीं बंटी, शायद जब बड़े हो जाएंगे तब मिलेंगे। लेकिन हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम बड़े के बाबू बन जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत बड़े अफसर बनना। पर मैं बड़ा नहीं हूँ ना, बड़े होने के बाद लड़ाई होती है। हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। दी, जब हम चले जाएंगे तो दादाजी कितना अकेले पड़ जाएंगे। पंखुड़ी बुआ भी चली जाएगी, तब तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन तब तुम उनका ख्याल रखोगे ना अच्छे से? हाँ, पर तुम भी हमसे वादा करो, क्या हमें रोज कॉल करोगे जाने के बाद और हमसे बात करोगी? चलो अब रोना बंद करो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। शरवनी, तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम तो हमेशा से तैयार है। तुम अपना सोचो, हमें डरा रही हो क्या? नहीं नहीं, बता रहे कि जीतेंगे तो हम दूल्हा पार्टी वाले। और तुम्हें पता है, दादाजी, बाबा और ताऊ जी हमारी टीम में। तो क्या हुआ, लड़की वालों का कोई मुकाबला है क्या? तुमने अभी भावना बुआ और बिना जाती का डांस नहीं देखा? लड़के वालों की छुट्टी होने वाली है तो लगता है शायद तुमने हमारे बाबा को नाचते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी जबान ना फटाफट चल रही है। जीतेंगे तो हम ही। तो ठीक है, मिलते हैं शादी के मैदान में। सुनो, जब हम जीत जाएंगे ना तब रोना मत। अच्छा, हमें चैलेंज कर रही हो? हाँ, अभी बताते तुम्हें। किसकी टीम अच्छी है? अभी रुको, हम तुम्हें बताते। अब बताओ, हमारी टीम अच्छी है तुम्हारी? अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं।
अब बताओ अब किसकी टीम अच्छी है? अच्छा तो रुको हम तुम्हें अभी बताते। तुम दोनों लड़ते रहोगे क्या? अरे दोनों की टीमें अच्छी हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लो। अच्छा चलो नहीं छुआ करती है भैया। आज माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो होती ना सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेने के लिए कहती। हाँ हाँ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो रुपेश, हमारी बहन का ध्यान रखना। चलो भाई दूल्हा दुल्हन ले लिया सबका आशीर्वाद, अब आगे की रस्में करें। आज इतना बड़ा दिन है, बेचारे शरद जी को आज ही के दिन मजबूरन गांव से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो ये शादी लिखा पड़ी वाली थी, ऐसी शादी होती है क्या? अभी तो असली रीति रिवाज वाली शादी बाकी है। और रुपेश बाबू फिक्र मत करिए, अरे बारात ही नहीं है तो क्या हुआ, हम रंग जमाने के लिए अकेले ही काफी है। चलिए रस्म शुरू कर दें। जल्दी
अरे पंखुड़िया शर्माओ मत, चलो खुशी मनानी है मना लो शवनी, कुछ ही घंटे बचे हैं और फिर इस पंखुरी के साथ साथ तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भी विदाई होगी। अरे असली मजा तो अभी बाकी है, सब काहे चुपचाप खड़े हो, चलो लग जाओ। भावना हम देंगे तुम्हारा साथ, याद है कैसे है तुम्हारा साथ दिया करते थे? हाँ, हमें जाना है पंखुड़ी की विदाई के बाद, पर उसमें भी काफी वक्त है। अरे सब चुप काहे हो गए, हम कौन सा हमेशा के लिए आए थे यहाँ पे? आप लोग के साथ चार दिन हंस गा लिए और क्या चाहिए हमें? लो फिर इस केशव ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। और अगर अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हम हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगते हैं। बस जाते जाते हम अपनी माँ को एक आखिरी खुशी देना चाहते हैं। आज हम भाई मिलकर हमारी प्यारी बहन पंखुड़ी को विदा करना चाहते हैं। भावना आज ऐसा रंग जमाओ कि हमारी माँ जहां से भी देख रही हो हम सबको एक साथ देखकर खुशी से झूम उठे। दादी बाबा ने हमसे कहा था कि इंसान की जुबान की कोई कीमत होती है, और हमने भी चंद्रा ताई जी को जुबान दी थी कि हम अपने माँ बापा को इस हवेली में लेकर आएंगे, उन्हें बेगुनाह साबित करेंगे, उनका हक दिलाएंगे और चंद्रा ताई जी की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, हम हार गए। हमें माफ कर दीजिए दादी। हरी दादी, हम चंद्रा ताई जी की सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाए। छोटी सी हो पर बातें बड़ी बड़ी करती हो, और बातों से ज्यादा लंबी तुम्हारी जुबान है। हम कहे थे ना चुपचाप चली जाओ, पर नहीं, तुम तो धनिया बोने आई थी, बन गई ना भानु ताऊ जी की नजर में झूठी, और खुद का जो किया उसको किया। बेचारा केसा, उसके भी कपड़े पड़वा दिए तुमने। चंद्रा ताई जी, आप एक छोटी सी बच्ची को चिढ़ाकर खुश हो रही है? छोटी सी बच्ची किधर? तुम हरकतें देखिए, दादी अम्मा हो पूरी। बीना भाभी,
आज हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि क्या बताएं कितने खुश हैं। और हो भी क्यों ना, आज हमारी प्यारी पंखुड़िया की शादी जो है, जी करता है बस पूरी रात नाचते रहे, झूमते रहे, गाते रहे। हाय भैया, खुश होने की बात ही है। आज पंखुड़ी हमें छोड़ के चली जाएगी और तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा। हाँ जी, पंखुड़ी इस घर की बेटी है, तो बेटी को तो एक दिन जाना ही होता है। हाँ, और रह गई बात हमारी, तो हमने कहा ना आपसे कि हम आपको फोन करते रहेंगे। फिर आप हंस रहे हैं ना हम पे, भगवान जी पे आप पर हंस रहे होंगे, क्योंकि भगवान जी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ जगा रहे हैं, जाग जाओ और निकलो यहाँ से। जीतने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके होते हुए चंद्रा ताई जी जैसे लोग जीते तो अच्छा नहीं होता है ना, वो कैसे जीत सकते। और अगर तुम उस 7 दिन में साबित नहीं कर पाए ना कि तुम निर्दोष हो, तो तुम चुपचाप यहां से चले जाना। भानु भैया हमसे कितना प्रेम करते हैं ये उन्हें कहने की जरूरत नहीं, इस बात को हम महसूस करते हैं। दुनिया में चाहे कहीं पे भी रह सकते हैं, उनके दिए हुए प्यार के सहारे। बाहर सब हंसी मजाक कर रहे हैं, आप अंदर आ गए, तबीयत ठीक है ना? मगरमच्छ के आंसू टपका टपका कर बोल रहा था, ढोंगी कहीं का। और अब इस ढोंग पर हमको गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। और उसको तो छोड़िए, हमें आपकी चिंता होती है कि आप पर क्या बीत रही होगी। जब से ये लोग आए हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहता है, पता नहीं कब जाएंगे ये टंटा खत्म होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी जिसने उस रात तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, उसका पीछा किया था हमने, लेकिन चेहरा ढंग से नहीं देख पाए थे। हो सकता है वो केशव की कदकाठी का हो, केशव ना हो सकता है ना चंद्रा। क्योंकि चेहरा तो तुमने भी ठीक से नहीं देखा था, है ना चंद्र? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। लगता है हिमालय पिघल रहा है। मतलब? मतलब ये कि भानु जी को देख करके ऐसा लग रहा है कि अपने भाई प्रेम के जो हिचकोले ले रहे हैं उसमें किसौआ को रो।
बयान पड़ा है उसमें ये फोन मिला है, क्या आपके घर के किसी सदस्य का है? अरे ये फोन तो माँ जी का है, बाबूजी ने कई बार पूछा है लेकिन ये मिल नहीं रहा था। अच्छा हुआ मिल गया। बड़ी बहू, बड़ी बहू, वो बड़ी बहू, वो अरे का वो वो ये वो जहाँ तक हम चंद्रा भाभी को जानते हैं वो हार कर मुंह लटकाने वालों में से नहीं है। वो इस वक्त अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी। उस रात न तुमको पता है न हमको पता है कि वहाँ केस अब था भी कि नहीं। 7 दिन दिए थे ना आपने उसे, किया उसने साबित, नहीं किया। एक गलत फहमी के पीछे खून के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। जो हमने फैसला किया है सोच समझ के किया है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।